पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन जो होता है एक लाइन का होता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो किसी लाइन का है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीनों एक्सिस के साथ जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। एक्स के साथ बनाया गया था अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ कौन सा, गामा। तो ये तीनों का जो कॉस था, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन। और एक इंपॉर्टेंट बात था, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है वो एक होता है, बट डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हमने दोनों के बारे में स्टडी किया था, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, उसका रिलेशन भी आपको हम बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का रिलेशन कैसा होता है। डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है, डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स से ज्वाइंड है कोई लाइन, मान लीजिए एक पॉइंट कौन सा है, ए, यहाँ पे एक्सिस हमने बता दिया, ये कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और कौन सा, वाई एक्सिस। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, कौन सा, एक्स वन, वाई वन और कौन सा, जेड वन। एंड सेकेंड पॉइंट बी कौन सा है, एक्स टू, वाई टू और कौन सा, जेड टू। थ्री डायमेंशन, तीन पॉइंट्स में तीन होगा, एक्स होगा, वाई होगा और कौन होगा, जेड होगा। ये एक्स वन हो गया, वाई वन हो गया, जेड वन हो गया, ये एक्स टू हो गया, वाई टू हो गया और जेड टू हो गया। दो पॉइंट से एक लाइन है, मान लीजिए ए बी एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास करता है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा इस लाइन का, किसका, ए और बी का, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पर जो एंगल बना, ये एक्स एक्सिस है तो ये भी लाइन एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन से भी, इसके साथ जो एंगल बना ये एंगल हम डिनोट कर लेते हैं कौन सा, अल्फा। क्या डिनोट कर लेते हैं, अल्फा। अब हम लोग काम क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ ओरिजिन है, ओ है, ठीक है ना। तो ओ से लेके मान लीजिए इसको एम है, ये कौन सा है, एन है। तो ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस आप बता सकते हैं एक्सिस कितना होगा, ओ से लेके एम का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये ओ से लेके एम तक, पहले पार्ट के लिए कहाँ चला, ओ से एम, फिर एम से ले कहाँ तक, ए तक। तो ए पर पहुँचा था कितना हो गया, एक्स वन, वाई वन, जेड वन। इसका मतलब यह हुआ कि यह पॉइंट एक्स एक्सिस पर एक्स वन डिस्टेंस, y एक्सिस पर y1 डिस्टेंस और z एक्सिस पर z1 डिस्टेंस चला, तब जाके पॉइंट का फॉर्मेशन किया x1, y1 एंड कौन सा, z1। बात समझ में आया, इसका मतलब यह हुआ जी x एक्सिस है इस पर कितना डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस हो जाएगा x1, m से लेके a तक ये डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, y1। नो डाउट, क्लियर। नेक्स्ट, फिर o से लेके n तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो फिर वही कंसेप्ट लगाना है, पहले o से n पर चलेगा, फिर n से लेके b तक चलेगा। तो n से लेके b तक चलेगा तो कौन सा एक्सिस होगा, ये z है, ऊपर जा रहा है तो y एक्सिस होता है, ये डिस्टेंस हो जाएगा कौन सा, y2। और o से लेके n तक का डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो पहला होता है x, दूसरा होता है y, यानी x पर चला x2 डिस्टेंस, y पर चला y2 डिस्टेंस और z पर चला z2 डिस्टेंस, तब जाके पॉइंट b बना x2, y2 और z2, ठीक है ना। तो ये y2 हो गया। अब देखिए O से लेके M तक का डिस्टेंस x1 है, O से लेके N तक का डिस्टेंस x2 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो M से लेके N तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, M से N तक, और ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस कौन सा, x। एम एन कितना हो गया, x2 माइनस x1। तो M के बाद फिर अब A, और इसको मान सकते हैं आप H मान लीजिए, ठीक है ना। A से लेके दोनों लाइन्स पैरेलल है, तो ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी लाइन कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, आमने सामने के मुझे बराबर होता है। अब ये y1 है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, y1। पूरा y2 है और ये y1 है, तो b से लेके h तक के bh का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा y2 में से, पूरा y2 में से कौन घट जाएगा, y1 घट जाएगा, राइट। पहले इतना कर लिए। अब इस इन ट्रायंगल्स, ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर एंगल कितना डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो काम करेंगे इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी एच। ध्यान से देखिए ए बी एच ट्रायंगल त्रिभुज ए बी एच में, ए बी एच में, ठीक है ना। कॉस अल्फा बराबर, क्योंकि कोसाइन होता है तो कॉस अल्फा से काम करेंगे पहले, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा या थीटा कुछ हो रहा है, तो कॉस अल्फा बड़ा क्या होता है, बी बाई एच। यहाँ 90 डिग्री है तो एक हो जाएगा लंब, एक हो जाएगा आधार, तो बी बाई एच है, तो बी किसको मानेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एच, कौन सा, ए बी। ये डिस्टेंस कितना मान लीजिए, आर बटा में कौन सा, ए बी का डिस्टेंस कितना मान लिया हम, आर। फार्मूला है तो ये डिस्टेंस फार्मूला पर इसको निकाल सकते हैं, अभी हमने कितना माना, आर, यानी कॉस अल्फा बराबर हो गया कितना, यहाँ पर लिखते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन कितना, आर। कोई डाउट, अब आर से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू
आर कॉस अल्फा, ये एक निकल गया, एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू आर कॉस अल्फा। सेम वे इसी तरीका से आप तीनों के निकाल सकते हैं सिमिलरली। कौन सा, एक बार हम कॉस अल्फा किए हैं यूज, अब कॉस अल्फा के जगह क्या रख देंगे बीटा, कॉस अल्फा के जगह क्या रखेंगे बीटा। तो बीटा किसके साथ बनता है, वाई के साथ। अल्फा किसके साथ बनता है, एक्स के साथ। अल्फा किसके साथ, एक्स के साथ। बीटा किसके साथ, वाई के साथ। गामा किसके साथ, जेड के साथ। तब हम बीटा पर काम करेंगे कॉस बीटा, तो कॉस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस बीटा अगर निकालेंगे तो कॉस अल्फा निकाले थे तो एक्स टू माइनस एक्स वन आया था, और कॉस बीटा निकालेंगे तो बी तो वाई के साथ बनाता है, एक्स के साथ बनाया था तो एक्स टू माइनस एक्स वन, और कॉस बीटा किसके साथ बनता है, वाई के साथ। यहाँ पर सिर्फ लिखा जाएगा वाई टू माइनस वाई वन बटा में कितना आर, देन आर इधर आ जाएगा तो वाई टू माइनस वाई वन बराबर आर सी से मल्टीप्लाई होता कितना हो जाएगा आर कॉस बीटा। नेक्स्ट सिमिलरली फिन सेकेंड अगेन क्या करेंगे, अब गामा कॉस गामा बराबर निकालेंगे, कॉस गामा। तो कॉस गामा कौन सा, गामा किसके साथ बनता है, जेड के साथ। तो कॉस गामा बराबर हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन अपॉन कौन सा आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जेड टू माइनस जेड वन बराबर आर कॉस गामा, ठीक है ना। अब इन तीनों को गौर से देखिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा होता क्या, पहले इसको राइट कीजिए आप, ठीक है ना, जल्दी फास्टली। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखिए, हम तीन कौन कौन से निकाल लिए, एक था एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू कितना आर कॉस अल्फा, सही से आना चाहिए, ध्यान दीजिए एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू कितना था आर कॉस अल्फा, वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू कितना आ गया आर कॉस बीटा, और जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू आ गया आर कॉस गामा, ये हम लोग निकाले हैं। अब यहाँ से आर को हटा देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन प्रोपोर्शनल किसके, कॉस अल्फा। प्रोपोर्शनल आर को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा, फिर प्रोपोर्शनल हटाने के लिए फिर कौन ले आएंगे आर ले आएंगे, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन प्रोपोर्शनल कौन सा, कॉस बीटा। इसको लिख सकते हैं जेड टू माइनस जेड वन प्रोपोर्शनल कॉस गामा। हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। अब ध्यान दीजिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों क्या होता है, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है, और कोसाइन के जो प्रोपोर्शनल होता है समानुपाती होता है उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। लिख सकते हैं हेंस, अतः हेंस एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन कामा वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है ना, कामा जेड टू माइनस जेड वन, ये तीनों जो हो जाएगा ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, बिकॉज ये तीनों किसके प्रोपोर्शनल है, कोसाइन के प्रोपोर्शनल है। तीनों किसके प्रोपोर्शनल है, कोसाइन के, और कोसाइन के जो प्रोपोर्शनल होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, आर डायरेक्शन रेशियो यानी डी आरस ऑफ लाइन, डी आरस ऑफ ए लाइन, उस लाइन का डी आर है जो दो पॉइंट से पास करता है, कौन कौन, एक्स टू वाई टू, एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू, दो पॉइंट से पास करता है एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू। उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें सिर्फ घटा देते हैं एक्स टू में से एक्स वन को, एक्स में से एक्स को घटाएंगे, वाई में से वाई को घटाएंगे, जेड में से जेड को घटाएंगे, घटाने का जो तीन को नंबर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना। चलिए इसको आप राइट कर लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक लाइन है
एज एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, एक लाइन है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, पॉइंट है 2, 3 और 5, ठीक है ना। एक पॉइंट कौन सा, बी है, मान लीजिए 1 है, 3 है और कितना है, 2 है। अब इस लाइन का डी आरस कोई कहेगा क्या होगा, डी आरस ऑफ लाइन, डी आरस का मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। डी आरस कितना हो जाएगा इसका, तो इधर इसका एक्स कितना है 2 है, इसका एक्स कितना है 1, तो इसका डी आरस हो जाएगा कितना 2 माइनस 1, ठीक है ना, एक हो गया। इसका वाई कितना है 3 है, इसका वाई भी 3, तो 3 माइनस 3। इसका जेड कितना है 5, इसका जेड कितना है 2, तो 5 माइनस 2, इट मीन्स 1, 0 एंड कौन सा 3। ये तीन नंबर जो होगा ये डी आरस हो जाएगा, किसी भी लाइन का ये क्या हो जाएगा, डी आरस हो जाएगा। यानी दो पॉइंट का कोई लाइन अगर दो पॉइंट से पास करता है तो उसका डी आरस निकालने के लिए दोनों पॉइंट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो क्या निकल जाता है उसका डी आरस निकल जाता है, ठीक है ना। नीचे इसको लिख लीजिएगा, नेक्स्ट हम काम करते हैं नाउ अगेन, फिर उस पीछे वाला से हम काम करते हैं, ठीक है। हमने क्या निकाला था पीछे, x2 माइनस कौन सा x1 इक्वल टू कितना था r cos अल्फा, नाउ ठीक है ना, एंड y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इक्वल टू था r cos बीटा, एंड z2 माइनस z1 इक्वल टू था r cos गामा, नहीं था, एक मिनट देख लेते हैं आपको दिख रहा है, रहे राइट ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ये cos अल्फा को यहाँ ले आइए, x2 माइनस x1 अपॉन कौन सा cos अल्फा इक्वल टू कौन सा r, फिर cos बीटा इधर आ जाएगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन कौन सा cos बीटा इक्वल टू कौन सा r, z2 माइनस z1 अपॉन कौन सा cos गामा इक्वल टू कौन सा, ये तीनों r के बराबर है ना, हेंस देयरफॉर सो क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन कौन सा cos अल्फा इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन कौन सा कॉस बीटा इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन अपॉन कौन सा कॉस गामा इक्वल टू कौन सा, ठीक है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कौन सा कॉस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक डिस्टेंस निकल गया। अब कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग क्या मानते हैं, बताए थे कि कॉस अल्फा को एल से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को एम से, कॉस गामा को किसे एन से डिनोट करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं और एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन कौन सा एम, एंड जेड टू माइनस जेड वन अपॉन एन इक्वल टू आर। यहाँ से हम पॉइंट का रिलेशन निकालने वाले, ठीक है ना। चलिए पहले इसको राइट कीजिए जल्दी फास्ट। अब देखिए फिर यहीं से हम वर्क कर रहे हैं यहीं से, ठीक है ना। तो यहाँ से एक और टर्म हम जोड़ सकते हैं, आपको दिख रहा है या नहीं, एक टर्म यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहीं पकड़ लेते हैं, आप के से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन कितना के इंटू कॉस अल्फा, इसमें भी के से मल्टीप्लाई होगा, तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन कितना के इंटू कॉस बीटा, जेड टू माइनस जेड वन अपॉन के इंटू कॉस गामा, और इधर डिवाइड हुआ था आर अपॉन कितना आ जाएगा के। अब के इंटू कॉस अल्फा, के इंटू कॉस बीटा और के इंटू कॉस गामा किसके बराबर होता है, पिछले वीडियो में ना पढ़ा था कि उस समय डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में जिसमें हम रिलेशन निकाले थे, उस समय आपको हम बताए थे कि के इंटू कॉस अल्फा, के इंटू कॉस बीटा, के इंटू कॉस गामा किसके बराबर होता है, डायरेक्शन रेशियो के बराबर होता है, किसके बराबर होगा रेशियो के, जिसको हम लिख सकते हैं एक मिनट,
के इंटू कॉस अल्फा क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन कितना ए, डेट इज रेशियो, एंड वाई टू माइनस वाई वन बटा में कौन सा बी, जेड टू माइनस जेड वन बटा में सी, इसको आप आर डैश कर सकते हैं, आर अपॉन के कौन सा आर डैश, ये आर डैश एक्चुअल लेंथ नहीं है, एक्चुअल लेंथ कौन था आर था, बस तक में दूरी आर ना माने हुए थे, आर डैश का नॉट एक्चुअल लेंथ, ठीक है ना, लिख देंगे आप नॉट एक्चुअल लेंथ, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, तो ये भी एक रिलेशन है जो हम यूज करेंगे जिससे मैंने न्यूमेरिकल बनाएंगे उस समय यूज करेंगे, ये एक्स टू माइनस एक्स वन नीचे कौन सा डायरेक्शन रेशियो, वाई टू माइनस वाई वन नीचे में कौन सा डायरेक्शन रेशियो, और जेड टू माइनस जेड वन बटा में कौन सा डायरेक्शन रेशियो, ये आगे चल के स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाता है, थ्री डी में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही होता है, चाहे ये वाला भी हो सकता है, ये भी इक्वेशन होता है और ये भी इक्वेशन, दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में जो डिस्टेंस आर होता है ये एक्चुअल डिस्टेंस होता है, किसके बीच का, दो पॉइंट के बीच के, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना माने थे हम आर, देखिए फिगर में ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना माने थे आर, तो जब नीचे कोसाइन रहता है तो एक्चुअल डिस्टेंस रहता है, और नीचे अगर रेशियो आ जाता है तो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं रहता है, ठीक है ना, तो जब ये हम लोग कोसाइन से काम करेंगे, डिस्टेंस निकालते हैं कोसाइन से कैसे निकालेंगे, इसे देखिए अब नीचे वाले को हटा देते हैं, ठीक है ना, ये हो गया, इसको समझेंगे, नाउ अगेन फिर से हम लोग काम करेंगे, इसको भी हटा देते हैं ऊपर, अच्छा रहे, नाउ अगेन ठीक है ना, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन बटा में कौन सा था एल, या कॉस अल्फा, क्या था कॉस अल्फा इक्वल टू y2 टू माइनस वाई वन अपॉन कितना था cos बीटा, z2 टू माइनस जेड वन अपॉन कितना था cos गामा इक्वल टू कितना था r, r क्या है एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था वो क्या माने हुए थे हम r, किसके a और b के, ठीक है ना, तो ऐसा है डिस्टेंस ऐसा है, तो इसका मतलब ये पहले तीनों को अलग अलग भी कर देते हैं, पहले भी किए थे x2 टू माइनस एक्स वन अपॉन कितना cos अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा r, तीनों आर के बराबर है ना, तो तीनों बराबर होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन कौन सा कॉस बीटा, एंड जेड टू माइनस जेड वन अपॉन कौन सा कॉस गामा इक्वल टू कितना, इसके बराबर भी आर कर दीजिए, और नेक्स्ट कौन सा जेड टू माइनस जेड वन बटा में कौन सा कॉस गामा इक्वल टू कितना आर, अब इससे काम करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू कितना आर कॉस, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आया था प्लस में, तो x1 प्लस कितना r cos अल्फा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, x2 बराबर कितना x1 प्लस r cos अल्फा, सेम वे में इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 इक्वल टू कितना r cos बीटा, माइनस में इधर आया था प्लस में, तो y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा y1 प्लस कितना r cos बीटा, ठीक है ना, सेम वे में निकाल सकते हैं, z2 बराबर कितना हो जाएगा, z2 बराबर कितना हो जाएगा z1 प्लस आर कॉस गामा, ये बहुत ही तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जेड टू बराबर वाई टू बराबर और कौन सा एक्स टू बराबर, ठीक है ना, तो इसको राइट कीजिए, कैसे इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे देखिए, पहले इसको राइट कर लीजिए, वीडियो रोक कर, ठीक है ना, अब थ्री डी ज्योमेट्री में कोई पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर पॉइंट कोई दिया हुआ है कौन सा, मान लो x1 है, ये y1 है और ये कौन सा है z1 है, ठीक है ना, कौन सा x1 y1 और कौन सा z1, पॉइंट मान लीजिए a है, ये दिया हुआ है पॉइंट, और मान लीजिए यहाँ पर r मीटर डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कौन सा है b है, इस लाइन का जो ये लाइन हुआ ए बी, इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है डी सी एस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन मान लीजिए l है, m है और कौन सा n है, l m n, कोसाइन तीन नंबर होता है ना, एम एन है दिया हुआ है, तो पूछेगा ये आर डिस्टेंस पर, ए से आर डिस्टेंस पर इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा और जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, निकालने के लिए पूछता है, ठीक से समझिए, एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन और जेड वन, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है, इसका नियामक पूछेगा, लेकिन बीच का डिस्टेंस भी दिया रहेगा और कोसाइन भी दिया रहेगा, किसका ए बी का, तो यहाँ पर इसका एक्स नियामक मान लीजिए एक्स टू है, कौन सा है x2, तो x2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, x2 बराबर, और जो पॉइंट नीचे में लिखा हुआ है इसको x1 प्लस, जो नीचे में है प्लस r से पहला वाला में गुना होगा, r इंटू कितना हो जाएगा, ठीक समझे, r इंटू एल, r इंटू एल,
एक्स वन प्लस आर इन टू एल, ठीक है ना। वाई टू सेकेंड पॉइंट कौन सा, वाई टू, तो वाई टू बराबर कितना हो जाएगा, तो पहले नीचे वाला पॉइंट को जोड़ते हैं, तो वाई वन कौन सा, वाई वन प्लस फिर आर इन टू कौन सा, एम, ठीक है ना। अब जेड टू पॉइंट कितना होगा, जेड टू का मान, तो जेड टू बराबर क्या होगा, तो पहले नीचे वाला पॉइंट जोड़ते हैं, तो जेड वन प्लस अब आर इन टू कितना हो जाएगा, एन, ठीक है। नीचे वाला पॉइंट को जोड़ना है और ये डिस्टेंस जो बीच में है उससे कोसाइन से, अगर एक्स को निकालना है तो एल में गुना होगा, वाई को निकालना है तो एम में गुना होगा, जेड को निकालना है तो एन में गुना होगा, इस टाइप से हम लोग पॉइंट निकालते हैं, ये तीनों पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब इसको वीडियो रोक के राइट कीजिए, एक एग्जाम्पल इस पर हम सेट कर देते हैं। मान लीजिए कोई एक लाइन है, ठीक है ना, समझते हैं यहाँ पे। मान लीजिए इसका ये पॉइंट है टू फाइव और थ्री दिया हुआ है, मान लीजिए पॉइंट ए ही है, ठीक है ना। इस लाइन के बीच पाँच मीटर के डिस्टेंस पर, ए से पाँच मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट कौन सा है, बी है, ठीक है ना। और ये लाइन का जो एक लाइन हो गया, ए भी क्या हो गया, लाइन हो गया ना। इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, डी सी एस, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो दिया हुआ है, कितना है, टू है, थ्री है और फाइव है। याद रखिए, डायरेक्शन कोसाइन हो या डायरेक्शन रेशियो, हमेशा थ्री सेट में, ट्राई सेट में रहता है, तीन वो होता है, क्योंकि ये कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गमा कॉस गम जे सॉरी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गमा, यानी एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, तीनों के साथ एंगल बनाता है, इसलिए हमेशा ट्राई सेट में रहेगा। तो आपसे पूछेगा बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है और बी का जेड कोऑर्डिनेट कितना है, ये निकालना है आपको। क्वेश्चन ठीक समझिए, एक पॉइंट ए है जो टू फाइव थ्री दिया हुआ है, इससे फाइव मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है, तो उस बी का हमको एक्स वाई जेड पूछ रहा है, जबकि ये लाइन जो बना ए बी, इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, इसी बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ये जो कोसाइन दिया हुआ है इसी को बोलते हैं एल, एम और कौन सा, एन बोलते हैं। तो क्या होगा इसका एक्स नियामक निकालने के लिए, तो एक्स बराबर क्या होता है, नीचे वाले को जोड़ते हैं, तो टू प्लस एक्स निकालना है तो एक्स वाले को जोड़ेंगे, पहले एक्स वाला यहाँ पर कौन सा है, एक मिनट, अगर आपको x निकालना है, क्या निकालना है, x, तो पहले x को जोड़ेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस, नीचे वाला x कितना था, 2 था ना, 2 प्लस, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले में, l में, 5 इंटू टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 यानी कितना, 12, यानी x नियामक कितना निकल जाएगा, 12। अब इसका y नियामक आपसे पूछेगा, तो y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले y को जोड़ना पड़ता है, तो 5 प्लस, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाला में, 5 इंटू थ्री, फाइव इंटू थ्री कितना हो जाएगा, फाइव प्लस फिफ्टीन कितना हो जाएगा, ट्वेंटी, यानी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वेंटी। फिर आपसे पूछेगा जेड नियामक वाला, तो जेड कितना है यहाँ पर, पहले जेड को जोड़ते हैं ना, तो थ्री प्लस, और फिर यहाँ फाइव का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, फाइव से हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, थ्री इंटू फाइव यानी थ्री प्लस फिफ्टीन डैट इज एटीन, यानी जेड बराबर कितना हो जाएगा, एटीन, यानी पॉइंट कौन हो जाएगा, ट्वेल्व, ट्वेंटी और कौन सा, एटीन, ये पॉइंट निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना, इसका हम बहुत यूज करेंगे। जब कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट के पाँच मीटर की दूरी पर अगला पॉइंट कैसे लिखेंगे, लेकिन कंडीशन है पॉइंट के पाँच मीटर दूरी पर जो लाइन बना उसका कोसाइन दिया हुआ रहेगा, तभी उसको मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, पॉइंट निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। इसको देखिए नेक्स्ट क्लास में अभी हम वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, पहले इसको वेक्टर फॉर्म पढ़ा के उसके बाद क्वेश्चन बनाना हम चालू करेंगे, पहले इसको राइट कीजिए। इससे पहले ही पिछला वीडियो है उसको भी देखना बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी कि आप पिछला वीडियो को देखें, तब आपको समझ आए, थ्योरी चल रही है अभी, क्वेश्चन बनाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पहले अच्छे तरीके से थ्योरी को पढ़िए, तब आराम से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है।